नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां चोरी चोरा आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर मना शताब्दी महोत्सव। बागपत जनपद के जिला मुख्यालय पर चोरी चोरा आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर छोटे छोटे बच्चों ने इंद्रधनुषी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिले के प्रभारी राज्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने इस मौके पर स्वतंत्रता के बलिदानों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। निर्बाध रूप से आप सभी यही रुके, अभी यही रुके, कार्यक्रम अभी निर्बाध रूप से चलता रहेगा। आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभिवादन कीजिएगा। इस स्वातंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहां पर उपस्थित चोरी चोरा और उसके आसपास के सभी किसानों के मुद्दे को लेकर कई बात कर रही है, सर क्या कहना आपका? देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना होता है। विपक्ष से घबरा करके अगर मान लीजिए सरकार जनहित के कार्य, जनहित के कार्यक्रम नहीं प्रारंभ करेगी तो वो सरकार ही असफल होती है। इसलिए विपक्ष का काम आलोचना करना होता है और सरकार का काम जनहित का कार्य करना होता है। सरकार किसान हितैषी बता रही, लेकिन उसके बाद भी किसानों में वकील बिछाए जाएंगे। सरकार किसान हितैषी थी, सरकार किसान हितैषी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है, तार और कटले तार वगैरह की लगाई गई है, तो क्या देश खतरे में है? सरकार किसान हितैषी है, सरकार किसान हितैषी थी और सरकार किसान हितैषी रहेगी। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, क्या खतरा है बहुत बड़ा देश को? मेरी बात आप समझ लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की भी केंद्र की सरकार सरकार हितैषी है, सरकार हितैषी रहेगी और सरकार हितैषी थी। देखिए, इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत से वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। 2017 में लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई, आज वो 1922 को जो चोरा चोरी कांड हुआ था, आज से शताब्दी समारोह मनाने का निश्चय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। पूरे प्रदेश में प्रत्येक शहीद स्मारक पर अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वतंत्रता सेनानियों, उन शहीद वीर सपूतों को सम्मान देने का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। उसी के संबंध में आज ये पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने आशीर्वचन भी दिए हैं, उसी संबंध में आज कार्यक्रम था बागपत में।